तो 12th अप्रैल फर्स्ट सेप का पेपर कंप्लीट होने के बाद बहुत सारे लोग बार बार ये डाउट पूछ रहे हैं कि भैया इस पेपर में डिफिकल्टी लेवल क्या था और आने वाले टाइम में आपके 13th और 15th अप्रैल का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, ओके क्या ये पेपर सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट का था, ओके ये भी सारा कुछ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखो और अगर चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। आने वाले टाइम में जोसा काउंसलिंग में बहुत ही हेल्प आपको होने वाला है, काउंसलिंग भी आपको करने वाले, ओके। और नीचे मैंने एक काउंसलिंग ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, तो जाकर ज्वाइन कर लो, ओके। तो पहली बात करते हैं कि ये पेपर क्या सबसे टफेस्ट था। तो देखो यार, ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो फिजिक्स की अगर बात करते पर्टिकुलर सेक्शन, तो फिजिक्स इजी टू मॉडरेट, ठीक है, सारे पेपर में सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है कह सकते हो फिजिक्स का भी एक लेवल अच्छा खासा हो रहा है, ठीक है। लाइक आप कह सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। केमिस्ट्री वॉज मॉडरेट प्लस ट्रिकी, तो केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों के लिए ऑर्गेनिक में क्वेश्चन काफी ट्रिकी पूछे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा अच्छा पेपर लगे केमिस्ट्री सेक्शन, ओके। मैथ्स की बात करें तो टफर साइड प्लस लेंथी, तो मैथ्स की वजह से ये थोड़ा पेपर जो है बेटर हो गया, ओके। लाइक कह सकते हो कि टफर टफनेस थोड़ा सा बढ़ गया। मैं इसको कंसिडर करूंगा कि जो 11th का सेकेंड शिफ्ट आया था उसके आसपास आप कहीं लाइक कर सकते हो, ओके। ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट प्लस साइड था, आप कह सकते हो कि टफ पेपर था, ओके। किसी के लिए थोड़ा सा हो सकता है मॉडरेट लगे, बट ये कंपेरेटिवली आपके कह सकते हो पर्सनल टू पर्सनल डिफर करेगा, ओके। अब बात करते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो 99 के लिए अगर 175 प्लस है तो आराम से आ जाएगा, ओके। 98% 160 प्लस, 97 145 प्लस, 96 130 प्लस पे आ जाएगा आपके, 95 120 प्लस, 94 110, 93 100 मार्क्स प्लस पे आराम से बन जाएंगे, 92 लगभग 95 प्लस मार्क्स, 91 अराउंड 86 प्लस मार्क्स है तो आप स्कोर कर पाओगे। 90% की बात करो तो 78 से 80 मार्क्स स्कोर करे हो तो डेफिनेटली आपके इस शिफ्ट में आपके आराम से 90% बन जाएंगे। तो सिमिलर एज 11th अप्रैल फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ओके। आपको कैसा लगा पेपर कमेंट जरूर करना, डिफिकल्टी लेवल कितने मार्क्स आ रहे हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच।